आटा कोई हो, गेहूं, बाजरा, मक्की, ज्वार, किसी भी चीज का आटा हो, आटा अच्छी तरीके से गूंद के रेडी हो जाता है और सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है, रोटेट कैसे घुमाना है, 10 से 15 सेकंड सीधा घुमाना है। ये देखिए ऐसे आप इसकी रोटी बनाएंगे, ऑटोमेटिक रोटी बनके रेडी फर्स्ट क्लास फूल के आएगी। जो हाथ से गूंदते उसमें लोच नहीं आता है, बढ़िया आटा गूंदते। कोई सब्जियां धोना बड़ी मुश्किल हो, जैसे गोभी में कीड़े मकोड़े आते हैं या फिर सब्जियां गंदी होती हैं, इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। इसमें पानी डाल दीजिए आप और अच्छी तरीके से इसे साफ हो जाता है। ऐसे करना है चावल वगैरह, सब्जियां, फल फ्रूट, राजमा, छोले, और इसको ऐसे करना है, हिला देना और नीचे ऐसे पानी नीचे निकल जाएगा। ये देखिए सब्जियां वगैरह पूरा हिल जाएगा। आप इसके अंदर मक्खी मच्छर वगैरह नहीं जाता है, फ्रूट वगैरह नहीं जाता है, मस्त आइटम साफ हो जाती है इसे। आइए सर, देखिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी दुकान पर पधारने के लिए। ये हमारी किचन की आइटम, यहाँ हर ग्रेडी की पसंद मिलती है। और आटा गूंदने की मशीन तो इतनी प्यारी आइटम है कि हम हाथ से गूंदते हैं तो उसमें क्या, हाथ से गूंदने से आटे के अंदर लोच नहीं आता है और हाथों में दर्द होता है सर। तो इसके लिए आटा गूंदने के लिए स्पेशल आइटम लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया आइटम है, कंफर्टेबल, इतनी यूजफुल आइटम है, 3 सेकंड में आटा स्पेशल गूंद के रेडी कर देती है, बढ़िया लोच आता है आटे के अंदर। तो सर दिखाइए, हम दिखाते हैं आपको कैसे काम करता है। क्या बात है, तो भैया एक बार दिखाइए एक बार कैसे काम करती है आटा गूंदने की मशीन। आटा कोई भी हो, गेहूं, बाजरा, मक्की, ज्वार, किसी भी चीज का आटा लेंगे हम, और आटे का ऐसे कप आते हैं साथ में, आटे को ऐसे डाल देंगे हम। 4 कटोरी आटा डालेंगे तो 2 कटोरी पानी डालेंगे, आटे का हाफ पानी पड़ता है। आटा कोई भी हो, गेहूं, बाजरा, मक्की, ज्वार, किसी भी चीज का आटा हो, आटे का हाफ पानी डालने के बाद इसके अंदर पानी डालेंगे। ये नाप है पानी का, ऐसे पानी लिया आपने, जितना आटा लेंगे उसकी लेवल से पानी डालेंगे आप। ये देखिए 2 कटोरी बड़ी वाली आटे की है, छोटी वाली पानी की है। भैया एक बार हमारे दर्शक को बताइए, आपने आटा कितना लिया और पानी कितना डाला है। बड़ी कटोरी है आटे की 2 और छोटी कटोरी है पानी की। अच्छा, ये आटे की बड़ी वाली, छोटी वाली पानी की, आटे का हाफ पानी होता है सर। अच्छा। आटा कोई हो, गेहूं, बाजरा, मक्की, ज्वार, किसी भी चीज का आटा हो, आटा अच्छी तरीके से गूंद के रेडी हो जाता है और सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है, रोटेट कैसे घुमाना है, 10 से 15 सेकंड सीधा घुमाना है और 10 से 15 सेकंड उल्टा घुमाना है। अच्छी तरीके से लोई बनके इकट्ठा होने लगेगा, आटे में अच्छी तरीके से लोच आ जाता है। जो हाथ से गूंदते हैं, हाथ का नेल पॉलिश जाती है, हाथ की डस्ट जाती है, हाथों में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, इसमें अच्छी तरीके से मस्त एकदम आटा गूंद के एक लोई बन जाएगी आटे में। ऐसे बस आटा गूंद के रेडी हो गया। नमक तेल खाते तो सर डालिए, नहीं खाते तो नहीं डालेंगे। भैया कितनी देर घुमाने से? बस 10 से 15 सेकंड घुमाना है। ये देख आटा दिए और लोच बन के रेडी हो जाता है आटा। ये देखिए ऐसे आप इसकी रोटी बनाएंगे, ऑटोमेटिक रोटी बनके रेडी फर्स्ट क्लास फूल के आएगी। जो हाथ से गूंदते उसमें लोच नहीं आता है, बढ़िया आटा गूंदता है। भैया प्राइस बता देंगे एक बार सर? ये ओनली फॉर 220 रुपीज का है, मात्र 220 रुपए का सर। क्या बात है, बहुत गुड आइटम। इसके अलावा हम आइटम एक और दिखाते हैं आपको, ये मिनिमल आइटम है, जैसे टिंडे, बैंगन, आलू, खा के हम बोर हो जाते हैं, बच्चे नखड़े करते हैं। एक बार दिखाइए कैमरे में, दिखाइए पोटैटो इसके ऊपर बोलते हैं इसको, आलू, टिंडे, बैंगन खाते हैं हम, खा के बोर हो जाते हैं, बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो उनको हम आलूओं को नई रेसिपी बना के खिला सकते हैं। जैसे आलू लिया, टिंडे लिए, बैंगन लिए, कोई चीज़ को राउंड राउंड ऐसे निकालेंगे, ऐसे कैप्सियम लेके उसके अंदर से राउंड निकालना है, वेजिटेबल, फ्रूट, बैंगन, टमाटर, 3 साइज से निकाल दिए, उसके अंदर वेजिटेबल मसाला भर सकते हैं हम, पनीर टिक्का बनाना है, पनीर वगैरह भर सकते हैं हम, ग्रेवी भर के भर सकते हैं। और जो भर लिया हमने तो स्टफ कर दिया, जब फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने के बाद जब हम कटिंग करेंगे तो खाने वाले सोचते रह जाते हैं, वेजिटेबल एक बन के रेडी हो जाते हैं, बच्चे के नखरे पूरे खा सकते हैं बच्चे अच्छी तरीके से। जो दम आलू बना दिए, बनने दम आलू बन गए सर, बहुत अच्छे आइटम है। इसके अलावा एप्पल का सलाद डेकोरेटिंग कर सकते हैं, तरबूज का सलाद, लौकी का सलाद, किसी भी चीज़ का आप राउंड राउंड सलाद बना सकते हैं, तरबूज है, लौकी है, खीरा है, एप्पल है, किसी भी चीज़ का राउंड सलाद बना सकते हैं। जनाब मैंने सुना था आपके पास सब्जी साफ करने की, धोने की मशीन भी है। हाँ सर वो भी है। इसके अलावा इसमें 2-in-1 आइटम है, डेकोरेटिंग फिलिंग करना है, जैसे खीरा, गाजर, मूली, एप्पल, पपीता, मैंगो, कोई भी फंक्शन पार्टियां होती हैं, ब्याह शादियां, मेहमान आते हैं, उनके लिए डेकोरेटिंग सलाद बना के खिला सकते हैं आप। और फ्लोवर बन जाता है, करेला भी साफ। इसके अलावा सर एक हम आपको ये चीज़ दिखाते हैं, फ्लोवर, जैसे सब्जियाँ धोना है, फल फ्रूट धोना बहुत मुश्किल होता है सर, कोई सब्जियाँ धोना बड़ी मुश्किल हो, जैसे गोभी में कीड़े मकोड़े आते हैं या फिर सब्जियाँ गंदी होती हैं, इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। इसमें पानी डाल दीजिए आप और अच्छी तरीके से इसे साफ हो जाता है। ऐसे करना है चावल वगैरह, सब्जियां, फल फ्रूट, राजमा, छोले, और इसको ऐसे करना है, हिला देना और नीचे ऐसे पानी नीचे निकल जाएगा। ये देखिए सब्जियां वगैरह पूरा हिल जाएगा। आप इसके अंदर मक्खी मच्छर वगैरह नहीं जाता है, फ्रूट वगैरह नहीं जाता है, मस्त आइटम साफ हो जाती है इसे, कोई वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह कोई भी धो सकते हैं। तो सर जी एक बार प्राइस बता देंगे एक बार? सर ओनली 180 की ओनली। और जो आपने इस कंपनी के पहले जो दिखाया था ये 100 रुपीज का सर, इसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, अपनी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है सर, और बहुत गुड आइटम है, कहीं भी मंगा। एक बार नंबर बता देंगे अपना? हाँ सर 9868489281, ऑल इंडिया कहीं भी होम डिलीवरी थ्रू मिलती है और आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, होम डिलीवरी फ्री है।